हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल आज सुबह सुबह तैयार हो गए और क्योंकि आज है क्या बोलते भागवत का लास्ट दिन, तो हम लोग सारे के सारे भागवत में जा रहे हैं। कल यामिनी वगैरह गए थे कलते परे अपने माइके, तो वो लोग भी आ गए वापस क्योंकि आज लास्ट डे है भागवत का। सब के सब जाएंगे, अभी वो लोग तैयार हो रहे हैं। हम, मैं, पापा, मम्मी और स्वाक्ष, हम लोग जा रहे हैं अभी नेरवा को क्योंकि हम लोग तैयार हैं। स्वाक्ष ऑलरेडी बैठ चुका है दादू के साथ। अच्छा, मिठाई के लिए पड़ा था पीछे। मैं भी सोची क्या कर रहा है। मिठाई चाहिए उसको। तो हम लोग यहाँ शॉप पहुँच चुके हैं, मिठाइयाँ वगैरह उतार दी यहाँ पर सारी। अब हम लोग जा रहे हैं आगे शी केयर ग्राउंड को। यहाँ देखो हम लोग पहुँच चुके हैं और साक्ष यहाँ पर खेलने के लिए दोस्त बना रहा है। तो ये देखो जी, काजल और अंशु पहुंच गए, यामिनी भी पहुंच गई। ऐसा कुछ पढ़ो जो पढ़कर सुनकर बैठने का टाइम थोड़ी, अब तो नाचने का टाइम। कब तक बैठो, कितना बैठो, हिमाचल वाले को उठने का नाम नहीं देते। ऐसा कथा सुनने में पक्के मान, पर अभी कोई फोन नहीं बैठेगा। अभी फोन नहीं दो, अभी रोको थोड़ा, एक सेकेंड, क्योंकि होली तो खेलेंगे पर दो लाइन पहले आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा।
समाप्त हो चुका है। कई लोग हैं जो रो रहे हैं और चल पड़े सारे के सारे बाहर। क्राउड तो इतना ज़्यादा है क्योंकि उधर देवता है ना जो बाहर गए, अभी पालकियाँ दिखाई मैंने आपको, तो वो उधर वहाँ पर है तो उनको देख रहे सारे। अब वो भी सारे के सारे अपने घर जा रहे हैं वापस। होनी है और उसके बाद में जो जो माताएं कलश लेकर के कलश यात्रा में सम्मिलित तो हुई थी वो आशीर्वाद स्वरूप में आज हम आपको वापस श्रीफल दिया जाएगा। जिन जिन को भी आज इस महायज्ञ का महाप्रसाद लेना है और आशीर्वाद लेना है वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, जहाँ जहाँ भी आप खड़े हैं सभी को यथावित स्वरूप में जो है आशीर्वाद दिया जाएगा। थोड़ी सी औपचारिकताएँ रह गई है ब्राह्मण देवताओं के चरणों में निवेदन करने हेतु, तो कृपया आप जो है भागवत। और इस वक्त यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड है ना, आई डोंट नो कि सुन भी रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग इधर है, कुछ लोग उधर है और कुछ लोग उधर है, क्योंकि उधर को खाने का मिल रहा है अभी, तो मतलब भंडारा है जो वो है, तो लाइन में खड़े हुए सारे लोग और धूप इतनी तेज़ है कि क्या बोले। बाकी हमारे साथ ही पता है कहाँ है लिखी नहीं रहा कुछ भी। कल कौशी ने अपना पाँव काटा, मतलब टांग काट दी और क्या मैं क्या बोलते, तो इस कौशी ने ये देखो ये क्या किया हुआ है। मैंने इससे पूछा कि कौशी ये क्या किया है आपने, क्या किया है कलर, और मैं पहले तो शॉक्ड होगी, मैंने कहा है ब्लड निकला हुआ है इससे। मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा क्या किया है, बोलता ये तो मैंने कलर किया हुआ है। मैं शॉक्ड होगी। अभी हम सारे के सारे यहाँ बैठे हुए पंडाल के अंदर क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और अभी आशीर्वाद भी लेना है, तो इसलिए बैठे हुए अंदर। कोशी सब पे फूल फेंके जा रहा है बार बार, पता नहीं कहाँ से फूल लाए जा रहा है, आगे भाग रहा है और ला के लेके आ रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट 1-2 घंटे बैठे हुए पंडाल में और धूप भी छुप चुकी है। अब जाके हम लोग भंडारा खाने जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट खाली हो गया है पूरा ग्राउंड, अब ज़्यादा लोग रहे नहीं है, बहुत रेयर है, तो जाते हैं आराम से भंडारा खाते हो। तो अभी 7:15 हो रहे हैं और हम लोग अभी को जा रहे हैं यहाँ से, मतलब एक हिसाब से ये समझो कि लास्ट है, थोड़े बहुत लोग हैं पीछे क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि कथा होगी, बट अभी तक हम लोग इसलिए यहाँ पर थे क्योंकि बर्तन वगैरह धुलवा रहे थे। तो ये सारे के सारे देखो कोशी तो इतना कामयाब है हमारे कि क्या कहे, दिख ही रहा है बर्तन धुलाते धुलाते खुद भी धुल गया। हंस रहा है ऊपर तब ठंड लगी। हाँ और अभी तक ये कर रहे थे, अब घर को जा रहे, खड्ड होते ही जाएंगे पार आराम से। ना 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 स्वाक्ष, हाँ स्वाक्ष ने तो नाचना भी शुरू कर दिया था वहाँ पे। सब लोग देखो देखो, चलो अब निकलते पार घर को आराम से। कितना सा पानी है, थोड़ा सा पानी, पानी देखो कितना साफ है, साफ है ना साफ देखी। चले वे सारे जख्मों को पापा ने बोल दिया कल खिला दो है, फाइनल है। एस क्यों? तो ये देखो हम लोग पहुंच गए रूम और सबके सब कैसे पड़ गए।
नहीं पड़े है, थक गए यार, गर्मी लग रही इतनी ज़्यादा ना, बहुत तकड़े वाली। तो हम लोग वापस आ चुके हैं अभी शॉप में, तो हम लोग जा रहे हैं फिर से आगे, क्योंकि आज कथा है जैसे कि मैंने बताया, तो हम लोग सारे के सारे कथा सुनने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी शॉप बस बंद होने वाली है, छोटे मम्मी थे यहाँ पे, तो हम मम्मी को लेने आया कि साथ चलते हैं, कि हम लोग इधर से नीचे से खिसक गए थे पार। चलो चलो वाक्ष यहाँ चलो। तो ये देखो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और हमें ना कोई भी नहीं दिख रहा, और हमें ऐसे लग रहा है हमारे साथ ना खप हो गई है, कॉल करके पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पूछना, ये हो गई जाए, अब हम लोग घर जाएंगे वापस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वापस से घर, क्योंकि हमारे साथ पोपट हो गया, क्योंकि वहां पे कोई भी लोग नहीं थे, और इसलिए हम लोग वापस आगे कथा हुई नहीं। फिर क्या बोलना कि आगे वापस, अब हाय था। अच्छा खराब तो कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक था ना, बस खा लिया ना आपने फ्रिज में, हेडेक हो रही इतनी ज्यादा ना यार, ना ना मैं तो नहीं खाना, अंशु ने तो खाना, बेटू पता नहीं अभी हम दूध पिया ना, छोटी बुई ने तो नहीं रखा है थोड़ी देर में, ये इसके दादी के काम, ये पिघली हुई, ये पिघली हुई इसको, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। और मेरा डिनर करने का भी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खाने वाली हूँ, अभी 9:10 हो रहे हैं, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। हेडेक इतनी तकड़े वाली हो रही ना मेरे को, नेक्स्ट लेवल की धूप से नहीं आ रहा, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।